ये क्लासेस में हम एक डैशबोर्ड के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले हम एक डेटा लेते हैं, डेटा लोड करते हैं। सबसे पहले तो गेट डेटा में एक्सेल पे क्लिक किया हमने और डैशबोर्ड 4 को सेलेक्ट करके ओपन किया, राइट। तो हमारे पास डेटा है, इसको हमने यहां से लोड कर देता हूं। ओके, तो डेटा हमारे पास आ गया। मैं एक बार डेटा देख लेता हूं, डेटा रख ठीक है। चलिए, तो मैंने इसमें क्या किया, सबसे पहले तो मैं यहां लूंगा स्लाइसर और स्लाइसर में मैं रखूंगा टीम। क्या रखूंगा सर? टीम। और यहां स्लाइसर को सेलेक्ट करूंगा और यहां इसकी फॉर्मेट पे जाऊंगा। फॉर्मेट में स्लाइसर हीडर नहीं चाहिए। उसके बाद यहां स्लाइसर का वर्टिकल की जगह पे मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूं। और इसकी अगर फॉर्मेट थोड़ा सा और बाकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और चेंज करनी है आपको इसकी, तो इसकी फॉर्मेट में चले जाइए और इसकी सिलेक्शन मोड, स्लाइसर्स, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में कलर क्या व्हाइट है, व्हाइट की जगह पर मैं ब्लू कर दूँ, बस अच्छा लगेगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद मैं यहाँ इंसर्ट में आता हूँ और एक चेक बॉक्स लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे हम लिख देते हैं। लिखने से पहले हम थोड़ा सा इसको टेक्स्ट को बड़ा कर देते हैं। टीम बैकग्राउंड हटा देता हूं, बॉर्डर हटा हुआ, सही है सर। मैं इसकी बैकग्राउंड अगर देना चाहते हैं तो आप इसकी बैकग्राउंड दे सकते हैं, बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में व्हाइट की जगह पे मैं कर देता हूं ये, और इसकी जो टेक्स्ट कलर है इसका जो ऊपर टेक्स्ट है कलर व्हाइट कर देते हैं। बेटर है पहले से सर? और इसकी टेक्स्ट की साइज थोड़ा सा छोटा करता हूं। ओके, अब यहां से मैं एक कार्ड लेता हूं और इस कार्ड में रखता हूं मैं टीम को। इसको रखता हूं टीम को, ठीक है। और
डेटा लेवल का कलर ब्लैक है, डिस्प्ले यूनिट ऑटो है, साइज ये आपका रह गया। फॉन्ट हो गया और बस ठीक है, इसका थोड़ा सा छोटा करता हूँ। अब जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँ, दिख रहा है सर 10 ABC? इतना तक तो बना लिया था, उसके बाद ही कैलकुलेशन में फंस रहा है। अब कैलकुलेशन में जैसे कि मुझे मान लीजिए 3A का ए चाहिए, हमारा डेटा क्या होते हैं टोटल सेल्स चाहिए, नहीं वो तो देख लेंगे। पहले यहाँ पे ए चाहिए आपको, जैसे कि मुझे इसमें ए चाहिए, इसका रैंकिंग चाहिए, रैंकिंग रेट जो है, तो मुझे इसमें ओवरऑल रेट, ओवरऑल रैंक और कस्टमर रेटिंग चाहिए, नहीं ओवरऑल रेटिंग एंड ओवरऑल रैंक चाहिए। तो ए क्या है, ए आपका इसमें आ रहा है, रैंकिंग भी इसमें आ, इस पर एवरेज, क्योंकि इसका टोटल तो नहीं सही रहेगा ना, एवरेज ही सही रहेगा ना सर। तो मैं यहाँ पे इसका कार्ड रखता हूँ राइट, और इस कार्ड में मैं यहाँ पे ओवरऑल रेटिंग इसको छोटा कर देता हूँ। ओवरऑल रेटिंग में 80 है, कितना है ओवरऑल रेटिंग 80। अब इस 80 के जगह पे यहाँ पे इसकी फॉर्मेट में आता हूँ और डेटा लेवल की साइज को मैं यहाँ कम करता हूँ। एक और हम लेते हैं यहाँ से कार्ड, ओवर रेटिंग में जो हमारा यहाँ पे ये है सम है, इसको मैं एवरेज कर देता हूँ। ठीक है सर, एवरेज आ गया। फिर इसमें हमने इसका रैंकिंग ले लेता हूँ, सम की जगह पे रैंकिंग में यहाँ भी एवरेज लेता हूँ, एवरेज रैंक आ गया, और इसको भी छोटा कर देता। इसका भी फॉर्मेट में आता हूँ और यहाँ भी इसकी जो डेटा लेवल है इसमें इसका मैं 25 और छोटा करना है तो मैं यहाँ 30 कर देता हूँ। अब देखिए ए जो चेंज हो रहा है, किससे चेंज हो रहा है, इससे, ठीक है ना सर। और इसका भी एवरेज करना था ना, एवरेज सही रहेंगे। उसके बाद मुझे इसका टोटल सेल्स यहाँ रखना है ऊपर में, इसमें टेबल ही रख देता हूँ। टेबल में मैं सबसे पहले तो यहाँ अपनी टीम को रखूँगा और टीम में मुझे इसका टोटल सेल चाहिए, टोटल कॉल्स चाहिए और टोटल रेवेन्यू चाहिए। ठीक है सर, हेलो, इसको मैट्रिक्स में भी कर सकते हैं। और मैट्रिक्स में मैं टीम को यहाँ रख देता हूँ और सेल्स को रो में, नहीं गलत हो जाएगा, सेल्स
देखिए सर, और टीम ए पे क्लिक है तो टीम ए का डेटा दिखाएगा, टीम बी पे क्लिक है तो टीम बी का डेटा दिखाएगा, टीम सी पे क्लिक है तो टीम सी का डेटा दिखाएगा। वैल्यू की कलर हो गई, बैकग्राउंड कलर हो गया, और यहाँ पे स्टाइल हो गया, नन आउटलाइन हो गया, और फॉन्ट की साइज, तो फॉन्ट की साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको 25 कर देता हूँ। ठीक है सर, एक पूछना था, अगर फिल्टर आउट कर लिया, फिल्टर में से एक टीम की बजाय सब अगर शो किए तो फिर वो ठीक से नहीं दिखेगा, राइट? नहीं तो जैसे किसी एक पे स्लाइसर में किसी एक पे क्लिक होगा ही ना, कभी कभी पूरा भी देखना होता है ना कि फिल्टर सबका ओवरव्यू क्या है। तो हाँ, तो पूरा यहाँ पे नहीं देखना है, एक फीड वाइज देखना है। जैसे कि हमारी रिपोर्ट, अगर आप ओरिजिनल फाइल को ओपन करें जिससे मैं बना रहा हूँ, उसमें आपको भेजा था, उसमें था टीम मेंबर वैसे एक एक बार एक ही टीम का देखना था। संदीप जी, अब आपको, हाँ जी सर, हम डिस्टिंग्स लगा रहे थे, हो गया ना, ये ओवरऑल एडिंग हो गया, ये आपका टीम का पूरा हो गया रेवेन्यू जीएसटी। अब यहाँ पे क्या है, सेल्स परफॉर्मेंस, यहाँ सॉरी ये टॉक टाइम, यहाँ यहाँ पे इसको देना सेकेंड रीजन में क्या है, टॉक टाइम सेल्स रेवेन्यूज एंड जीएसटी। सेम फॉर्मेट में नहीं आएगा, सेम फॉर्मेट में करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलेगा, लेकिन हाँ ठीक है, बेटर है। तो मैं यहाँ से एक बार मैं इसको टेबल ले लेता हूँ, टेबल में सही रहेगा, ग्राफिक्स में रखेंगे तो फिर स्लाइसेस कनेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। इसके मैं चेंज कर देगा और जो तक उसको मैट्रिक्स लिया है आपने, फिर वो स्लाइसर नहीं है। हाँ फिर उसके बाद ये जो आपका आता है ओवर टॉप टाइम वगैरह, फिर वापस एक टेबल में लेता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ, और इसमें आपने बोला है ये वर्किंग आवर्स सेल्स रेवेन्यू एंड सीएसटी, तो यहाँ पे मैं सेल्स आवर, सेल्स सेल्स पर आवर है सर, सेल्स पर आवर, टोटल सेल्स पर आवर कर देता हूँ कस्टमर, तो रेवेन्यू ऊपर है ना, ये रेवेन्यू तो सेल्स सही है यहाँ पे, सी एस परसेंटेज है, सॉरी ये यहाँ पर दिक्कत आया, कस्टमर दिखा सी एस रेटिंग, कस्टमर रेटिंग बहुत बहुत बड़ा है ना, तो हम डेटा में जाते हैं, इसको रिनेम कर देते हैं सी सेट। ठीक है, क्या सी सेट सर, अब मैं वापस डेटा में आता हूँ, उसे इसमें रिपोर्ट,
और फिर यहाँ पे इसकी भी साइज जो है हम, अच्छा टीम तो इसमें रखा ही नहीं मुझे, अरे टीम रखने, हाँ टीम भी रख देते हैं, टीम रखने की जरूरत नहीं है, टीम तो है ही। और इसकी साइज जो है फॉर्मेट में एक तो साइट हो गया आपका, टाइटल नहीं चाहिए, बैकग्राउंड नहीं चाहिए, बॉर्डर, बॉर्डर नहीं है, मैं बॉर्डर दे देता हूँ इसका, इसका बॉर्डर आ गया, नहीं बॉर्डर नहीं चाहिए। वैल्यूज, वैल्यूज का जो साइज है हमने 25, हाँ अब इसमें वैल्यू की साइज हो गई, हो गया सर। अब इसकी ये जो हमने हो गया, अब इसमें आगे क्या है हमारा, सेल्स परफॉर्मेंस, सेल्स परफॉर्मेंस। अब सेल्स परफॉर्मेंस में हम यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं, सेल्स परफॉर्मेंस। अब सेल्स परफॉर्मेंस में आपका यहाँ पे होगा, टेबल एक लेता हूँ, टेबल यहाँ पे आया, और इस टेबल में मैं सबसे पहले तो दूंगा इसमें सेल्स ऑफिसर का नेम, टीम मेंबर्स, टीम मेंबर्स और टीम मेंबर्स के सेल्स, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर घसका देता हूँ, साइज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो फिर साइज थोड़ा सा कम कर देते हैं, कर लेते हैं 25 नहीं 20 कर, अब सही है, ठीक है सर। और ये रहा हमारा, अब यहाँ पे हमारे ये आ जाएंगे ना, हर कस्टमर का 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद ये रीजन वाइज यहाँ पे टोटल्स है, क्या है रीजन वाइज टोटल, तो अब मैं यहाँ पे रखता हूँ टेबल, और यहाँ हम देते हैं रीजन, और रीजन वाइज टोटल सेल्स ही है ना, तो सेल्स, सेल्स का परसेंटेज है, तो सेल्स यहाँ देते हैं। अब यह बात हो रही है कि ओवरऑल परसेंटेज भी निकालना है, सैंतीस से सेल आया तो टोटल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है ये निकालना है, बात समझ रहे हैं। हेलो परसेंट ऑफ ग्रांट, और फिर इसमें हम डाल देते हैं अपना सेल्स, ठीक है सर।
डैशबोर्ड में जगह का यूज करना बहुत जरूरी होता है। प्रोडक्ट वाइज सेल्स रेटिंग एंड रेवेन्यू तीन चीज चाहिए। तो सबसे पहले हम देते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रखते हैं हम यहाँ पे, फिर इसमें आता है सेल्स और फिर इसमें आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू रेटिंग हो गया, इसी में हम एक और यहाँ पे सेल्स को एक बार और रखेंगे, हम एक से ज़्यादा बार रख सकते हैं यहाँ पे पिवट की तरह, और इसमें हम सो वैल्यू एज यहाँ पे परसेंट एज ए ग्राम के ऊपर आ गया, और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि हमारा वो बस करें। क्या सर, तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, राइट। अब यहां पे रीजनल वाइज रेवेन्यू है रीजन के हिसाब से, तो इसके लिए हमें लेना होगा मैप चार्ट। मैप चार्ट यहां भी है तो मैं इसी को लेता हूं, फील्ड मैप, और फील्ड मैप को यहां देता हूं। और इसमें हम अपना रीजन लगते हैं, रीजन, और यहाँ पे सेल्स का टोटल, इसको यहाँ रीजन में रखते हैं। आ गया, और यहाँ टूल टिप में हम सेल्स को रखते हैं, सेल्स रखा हुआ है। ठीक है सर, मैप में सर हाईलाइट नहीं कर रहा है सर, हाईलाइट है ना सर, ये देखिए कैलिफोर्निया अलर्ट है, टोरंटो अलर्ट है, नहीं दिख रहा आपको सर, हाईलाइट नहीं दिख रहा है, हाईलाइट ही तो है, देखिए इसमें सब दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक ठीक, अब मैप में एक चीज और है कि इसके ऊपर वैल्यू कैसे आएगा, अगर सेल्स को मैं लेजेंड में रख दूँ तो
ये आपका लोकेशन हो गया, लेजेंड चिमनी, वैल्यू आता हो था लेकिन आ क्यों रहा है। एक ऐसा मैप है जो कि हाँ बताता है बबल्स के थ्रू, जितना ज़्यादा बबल्स है उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे जितनी जितनी ज़्यादा वैल्यू उतनी ज़्यादा बबल्स दिखेगा। एक एक ए भी है आपका, साइज कलर बबल्स अच्छा मैं देखता हूँ उस पर डेटा के बारे में। ठीक है आपका ओवरऑल रेटिंग है, ये जो तीनों दिख रहे हैं आपको ओवरऑल पे, फिर आपको एक अलग टेबल में बनाना होगा जिससे स्लाइसर इफेक्टेड ना करे। ये जो बाकी जितने भी चीजें दिख रहे हैं ना सर, ये स्लाइसर से बाहर की चीज है, तो आपको एक नया टेबल और लेना पड़ेगा या फिर यहाँ पे फिल्टर भी केवल हटा देंगे, एक और फिल्टर आप हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैं इसमें प्रोडक्ट का ही ले लेता हूँ और मैंने यहाँ पे क्लिप ऑल फिल्टर पर चेक तीन बी को सिलेक्ट करता हूँ, नहीं हुआ उस पर नहीं, इस फिल्टर की बात होता है, स्लाइसर पर भी अप्लीकेबल होगा ही होगा। आपको एक नया टेबल में करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसी का एक और टेबल बनाना पड़ेगा ऑल से, और फिर उसमें उसमें आपको सब लगाना पड़ेगा। तो अब कर लीजिएगा आप लोग क्या सर? हाँ सर हो जाएगा। हाँ तो इसको कीजिए, फिर हम कल की क्लास में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ओके ठीक है।